हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं KFC स्टाइल चिकन। इसे क्रिस्पी चिकन फिंगर्स भी कहते हैं। ये बहुत ही आसान है और सिंपल होम इंग्रेडिएंट से बनता है। आइए चलिए हम आपको दिखाएं इसमें क्या क्या ज़रूरी चीज़ें लगेंगी जो कि हमारे घर में मौजूद होती हैं, और हम बेहतरीन सा KFC स्टाइल चिकन बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी वाला। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले हमें हाफ लेमन का रस निचोड़ना है। अगर बड़ा लेमन है तो हाफ लीजिए, और अगर छोटा है तो 1/4 लेमन लीजिए। इसे अच्छे से इसका जूस निकाल लेना है। बीज ना आना चाहिए, बीज अगर आ गए आपको तो इसे छाक लीजिए छन्नी में। और एक कप दूध जो हमारा हमने रखा है उसमें हम ये लेमन जूस ऐड करेंगे, और इसे एक बार स्टर करके पाँच से दस मिनट तक ढक के रख देंगे ताकि ये दूध जो है पूरी तरह से बटर मिल्क बन जाए। वील पुट द लेमन जूस इन द 1 कप मिल्क एंड लेट इट सिट फॉर 5 to 10 मिनट्स टिल द मिल्क कर्डल्स अप। वील लीव इट कवर्ड फॉर 5 to 10 मिनट्स अनटिल वी कट एंड मैरिनेट आवर चिकन। अब हम चलते हैं अपना चिकन मैरिनेट करने के लिए। 1 kg चिकन हमने लिया है, इसे हम लंबे लंबे पीसेस में चिकन फिंगर्स में काट लेंगे। लंबे लंबे चिकन स्ट्रिप्स हमने काटने हैं। देखिए किस तरह से हम काट रहे हैं इसको, ऐसे हो कि ये जल्दी गल जाए। ये हमारा टेंडर चिकन ब्रेस्ट है, ये बहुत जल्दी गलता है। इसी तरह करके हम अपने सारे पीसेस को काट लेंगे। और अब हम चलते हैं अपने मैरिनेशन की तरफ। ये देखिए कितने अच्छे से चिकन पीसेस हमारे सब रेडी हो गए हैं। मैरिनेशन के लिए हम एक बड़ा सा डब्बा लेंगे या बोल लेंगे जिसे हम कवर कर सकें। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 2 teaspoon रेड चिली पाउडर। चिली अच्छी होनी चाहिए तभी जायका आएगा इसमें, और कलर भी अच्छा होना चाहिए चिली पाउडर का। और अब हम इसमें डालेंगे 2 teaspoon सॉल्ट। पहले हम 1 चम्मच सॉल्ट डाल रहे हैं, और उसके बाद फिर हम और 1 चम्मच बाद में डालेंगे जायका चख के अगर कम लगा तो। तो पहले 1 चम्मच नमक डालना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्ची। विल पुट 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर, 1 teaspoon सॉल्ट एंड 2 teaspoon रेड चिली पाउडर। एंड नाउ विल पुट 2 teaspoon जिंजर गार्लिक पेस्ट। 2 teaspoon जिंजर और गार्लिक का पेस्ट मैंने साथ में बना के रखा था, तो अब हम इसमें ये डालेंगे। और ड्राइड रोजमेरी है मेरे पास, उसको मैंने अच्छे से कूट लिया है, उसे डालेंगे। रोजमेरी फ्लेक्स भी आती है मार्केट में, वो चाहे तो आप वो डाल दें, और अगर आपके पास नहीं है तो बेसिल लीव्स या ऑर्गेनो फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। कुछ भी इटालियन सीजनिंग कुछ भी काम आएगी इसमें, जो एक अलग सा फ्लेवर दे आपके चिकन को। अब हमने देखा है कि 5 से 10 मिनट हो गए, हमारा मिल्क कर्डल अप हो गया है। और अब हम इस बटर मिल्क को इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया इसमें। Our milk has curdled up and now we'll mix the buttermilk into the marinade that we have made with all the powder masalas, and now we're going to add our chicken pieces to it one by one. Coat it very nicely and mix it with a spoon, and after we finish mixing we'll pierce it with a fork. Ab hum isme apne chicken pieces add karenge. और अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद अंडे। वी एड 2 eggs into it and mix very well. This is for the coating. इससे अच्छी कोटिंग आपकी पकड़ती है, और आपका चिकन जो है बहुत अच्छा से इसका जो फाइनल कोटिंग होगा फ्लावर वाला वो अच्छे से कैचअप होगा बिकॉज ऑफ द एग। ये बिल्कुल ज़रूरी है, इससे कभी ओमिट मत कीजिएगा। और अब हम लास्टली इसमें डालेंगे थोड़ा सा, हमने डालना है इसमें हाँ यह राइट
इसमें डालना है नमक और मिर्चा शक लेना है। अगर हमें नमक कम लगे तो हमने देखिए इसमें 1 teaspoon सॉल्ट ऐड कर दिया है, 1 teaspoon इलायची पाउडर डाला है इसमें हमने, आई हैव एडेड 1 teaspoon कार्डमम पाउडर, 1 teaspoon स्वीट पेपरिका पाउडर एंड वी हैव चेक्ड द सॉल्ट एंड इफ नेसेसरी वी ऐड 1 more teaspoon ऑफ सॉल्ट एंड नाउ वी पुट सम ग्रीन चिली सॉस इनटू इट। इफ यू डोंट हैव ग्रीन चिली सॉस यू कैन ऑलवेज मेक अ पेस्ट ऑफ 2 ग्रीन चिलीज एंड ऐड इनटू इट। अगर आपके पास ग्रीन चिली सॉस नहीं है तो 2 हरी मिर्च की पेस्ट बना के आप डाल सकते हैं, अदरक लहसुन के साथ ही पीस सकते हैं, वो ग्रीन चिली सॉस की पेस्ट साथ में मिल जाएगी। तो ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से, और इसे अगर आपके पास काटा हो और अगर फोर्क नहीं है तो किसी भी छुरी से अच्छे से इसको पेस्ट कर लें ताकि अच्छे से इसमें इसके अंदर अंदर में जूसेस जा सके, और इसे हमने रख देना है ओवरनाइट फ्रिज में उठा के, और ओवरनाइट नहीं है तो अगर ओवरनाइट ध्यान रख सकते हैं प्लीज़ 4 से 6 घंटे से 4 से 6 घंटे फ्रिज में एटलीस्ट रख दें ताकि इसका मैरिनेशन अच्छे से इसमें घुस सके। और अब हम इसमें डालेंगे 1 tablespoon विनेगर, ये चिकन को बहुत अच्छे से टेंडराइज कर देता है, गला देता है। और लास्टली हम इसमें ऐड करेंगे 1 tablespoon ऑलिव ऑयल, मेरे पास बेजल वाला ऑलिव ऑयल है तो हम ये यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी नॉर्मल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल ऑयल मतलब यानी कि मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल यूज़ करें, नॉट प्लेन ऑयल, ऑलवेज यूज मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल, एनी ऑयल यू कैन यूज, जस्ट मिक्स इट वेल विद अ फोर्क एंड जस्ट कीप इट कवर्ड ओवरनाइट। उसके बाद फिर हम मिलेंगे कुछ देर बाद। याद रहे हम जब भी इसे फ्राई करना हो फ्राई करने से आधे घंटे पहले इसे फ्रिज से बाहर निकाल देना ताकि इसका टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर पर आ जाए, और तेल अच्छे से गर्म करना है। तेल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद इसमें 1 by 1 करके चिकन पीसेस डालना है ताकि तेल का टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो। अभी देखिए इसकी कोटिंग के लिए हमने लिया है 1 cup कॉर्नफ्लावर जो कि है 250 grams, उतना ही लगभग 250 grams हमने लिया है ऑल पर्पज फ्लावर मैदा। अब हम इसमें डालेंगे 2 teaspoon हमको डालना है रेड चिली पाउडर, और हम इसमें डालेंगे 2 teaspoon धनिया पाउडर, और अगर आपके पास अनियन पाउडर है तो आप 1 teaspoon अनियन पाउडर भी शामिल कर लें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और गार्लिक पाउडर तो जरूरी है, ये जरूर से डालें, इसे भी 2 चम्मच डालना है 2 teaspoon गार्लिक पाउडर। और 2 teaspoon नमक लिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, और 2 teaspoon बेकिंग पाउडर भी लिया है। मैंने खाना आपको आई फॉरगॉट टू शो यू। और अब हम इसे अच्छे से कोट करेंगे चिमटे की मदद से, हाथ से नहीं करें वरना हाथ लग जाते हैं, और इसे वापस इस एग बैटर में डिप करेंगे और दोबारा से इसे कोट करेंगे और एक कोटिंग वापस से इस कॉर्नफ्लावर में, इसे कहते हैं डबल कोटिंग। डबल कोटिंग करने से हमारा चिकन बहुत अच्छा और क्रिस्पी बनता है और एक मोटा सा लेयर आ जाता है। अब हम इसे डायरेक्टली ऑयल में अपने डालेंगे, ये देखिए एक एक करके हमें डालना है, 4-5 पीस से ज़्यादा एक साथ नहीं तले वरना टेम्परेचर ऑयल तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक 10-12 minutes तक फ्राई करना है एकदम धीमे आंच में ताकि इसका चिकन अंदर से गल जाए बिल्कुल। ये देखिए इसका लुक कितना बेहतरीन आ रहा है, बिल्कुल KFC चिकन जैसा। और अगर आपको उसका जायका और भी अच्छा चाहिए तो इसे ऑयल की जगह घी में बनाइए, बहुत मज़ेदार बनता है। और इसे सर्व कीजिए टोमेटो सॉस के साथ या गार्लिक सॉस के साथ। गार्लिक सॉस की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिए। गार्लिक मेयोनीज के नाम से कीटो फ्रेंडली मेयोनीज है, बहुत अच्छा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है, वेज स्टाइल। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों में,
और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।